हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मी। आज की वीडियो में हम देखेंगे डेली प्रैक्टिस मैथ वर्कशीट्स फॉर ग्रेड वन। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट्स। फर्स्ट वर्कशीट है ड्रॉ बीट्स ऑन द एबिकस। यहाँ पर एबिकस बना हुआ है और इनके नीचे नंबर लिखे हैं, तो नंबर के अकॉर्डिंग इसमें बीट्स ड्रॉ करने हैं। जैसे कि वंस की जगह पर है नंबर थ्री, तो इसमें थ्री बीट्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3। और टेंस की जगह पर है नंबर सिक्स, तो इसमें सिक्स बीट्स ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी एबिकस बने हुए हैं उनके नीचे लिखे हुए नंबर के अकॉर्डिंग बीट्स को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। यहाँ पर एक ग्रिड बना हुआ है, इसमें नंबर लिखे हैं, तो इसमें बिफोर बिटवीन और आफ्टर नंबर फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर है 95, तो इसका बिफोर और आफ्टर नंबर फिल करना है। 95 का बिफोर नंबर होता है 94, तो यहाँ पर लिखेंगे 94, और 95 का आफ्टर नंबर होगा 96, तो यहाँ पर लिख देंगे 96। देन यहाँ पर है 25 एंड 27, तो 25 एंड 27 का बिटवीन नंबर होगा 26, तो यहाँ पर लिख देंगे 26। इस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग कम्स जस्ट बिफोर 12। 12 के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आता है? 11। यहाँ पर लिख देंगे 11। कम्स बिटवीन 40 एंड 42। 40 एंड 42 के बिटवीन आता है 41, यहाँ पर लिख देंगे 41। कम्स जस्ट आफ्टर 50। 50 के जस्ट आफ्टर आता है 51, यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है राइट द नंबर 7 tens and 5 ones। यहाँ पर टेंस एंड वंस के फॉर्म में लिखा है, इसे नंबर फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 75। देन 5 tens and 6 ones is 56। इसी तरीके से 100s, 0 tens and 2 ones is 102। इस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है रीअरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। यहाँ पर नंबर को स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट में अरेंज करना है, तो यहाँ पर है 58, 78, 25 एंड 94। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 25, देन 58, देन 78, देन 94, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर मोर देन, लेस देन एंड इक्वल टू का साइन पुट करना है, तो फर्स्ट यहाँ पर है 59 एंड 72। 59 इज लेस देन 72, तो यहाँ पर लेस देन का साइन पुट करेंगे। नेक्स्ट है 64 एंड 98। 64 इज लेस देन 98, यहाँ पर भी लेस देन का साइन पुट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है 10 एंड 9। 10 इज मोर देन 9, तो यहाँ पर मोर देन का साइन पुट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है 50, 50, तो ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन पुट करेंगे। इस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है पुट टिक फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, इन्हें केयरफुली रीड करना है, और जो राइट है उसके आगे करेक्ट का निशान और जो रॉन्ग है उसके आगे क्रॉस लगाना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है 74 comes after 75, तो ये रॉन्ग है, इसको क्रॉस लगा देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट है 10 minus 3 is equal to 7, तो ये करेक्ट है, इसलिए इसके आगे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है 54 is equal to 5 tens 4 ones, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर है 15 plus 7 is equal to 21, तो ये रॉन्ग है, इसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है 64 is more than 24, ये करेक्ट है, तो इसके आगे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है राइट इन वर्ड्स। यहाँ मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, इन्हें वर्ड्स में लिखना है। जैसे 59, इन्हें वर्ड्स में लिखेंगे। देन यहाँ पर है 105, इसी तरीके से बाकी नंबर्स को भी वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट है राइट इन फिगर्स। यहाँ मैंने वर्ड्स में नंबर लिखे हैं, इन्हें फिगर्स में लिखना है। जैसे
69, तो इसे फिगर में लिखेंगे 69। इसी तरीके से 104, इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है राइट नेक्स्ट नंबर्स। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, इन्हें केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि ये रिवर्स ऑर्डर में है, नेक्स्ट नंबर फॉर्म में है या फिर स्किप काउंटिंग फॉर्म में है, उसी के अकॉर्डिंग इन्हें कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर है 50, 55, 60, तो नेक्स्ट हो जाएगा 65, देन 70, देन 75। उसी तरीके से यहाँ पर है 100, 200, 300, नेक्स्ट हो जाएगा 400, 500 एंड 600। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है एडिशन। ये टू डिजिट एडिशन है विदाउट कैरी वाले, तो इन्हें सिंपली ऐड करना है और यहाँ पर इनके आंसर लिखने हैं। जैसे कि 3 + 4 = 7, 5 + 4 = 9, इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन, ये भी टू डिजिट नंबर और विदाउट बोरो वाले सब्ट्रैक्शन है, इन्हें सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर आंसर लिखेंगे। जैसे 5 - 3 = 2, 9 - 3 = 6। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। कम्स बिफोर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बिफोर क्या आता है? मंडे, तो यहाँ पर लिखेंगे मंडे। इसी तरह से यहाँ पर है जनवरी इज मंथ ऑफ द ईयर, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, जनवरी इज फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है कम्स आफ्टर फेब्रुअरी, फेब्रुअरी के बाद आता है मार्च, यहाँ पर फिल कर देंगे मार्च कम्स आफ्टर फेब्रुअरी, इस तरीके से इनको कंप्लीट करना है। तो ये थी आज की वर्कशीट्स। इन सभी की PDF लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।